बाद मैं घुस जाऊँ हाँ। तो थोड़ा सा बना रहेगा। भैया तरन्नुम में पढ़ के गए, बहुत अच्छा पढ़े। क्या बात है। मैं फिर शेर पढ़ता हूँ और एक मतलब उस शेर की, वो नम आंखों से मुझसे और क्या कहेंगे, वो नम आंखों से मुझसे और क्या कहेंगे, तमाम बीती रातों का सब वाकया कहेंगे। क्या बात है। शेर सुनिएगा कि तमाम बीती रातों का सब वाकया कहेंगे। एक और मतलब है इसी में कि वो घर कभी मेरे अश्कों को रायगां कहेंगे, अश्क आंसू रायगां बेकार, वो कभी मेरे अश्कों को घर रायगां कहेंगे, तो हम इश्क को कैद के सिवा और क्या कहेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब भाई, बहुत मोहब्बत। मैं शेर पढ़ता हूँ इसकी कि इस कैद में कुछ भी नहीं पर इतना एतमाद तो है। आप सभी की नजर ये शेर है कि एतमाद भरोसा। इस कैद में कुछ नहीं पर इतना एतमाद तो है कि जब वो रिहा होंगे हम उनको बेवफा कहेंगे। अगला शेर देखिए, पिछले शेर की काट है कि कभी गुस्से में तुम्हारी तस्वीर निकली तो देख लेना, कभी गुस्से में तुम्हारी तस्वीर निकली तो देख लेना, तुम्हारी आंखों से हार कर फिर खुद को बेवफा कहेंगे। और आखिरी इस गजल का आखिरी शेर है कि बिखरी पड़ी है ठंडी खामोशी हर मोड़ पर साहिल। मैं बता दूं, मैं साहिल आजमी नाम से लिखता हूं उर्दू में। ठंडी पड़ी है बिखरी खामोशी हर मोड़ पर साहिल, सच पूछो तो हम इसे फकत इंसानों के दरमियां कहेंगे। ज्यादा ज्यादा वक्त तो है नहीं, एक गजल में पढ़ता हूँ और फिर अपना कलाम खत्म करता हूँ कि किसी शाम किसी शख्स पे मुस्कुराते हुए, तमाम जितने लोग बचे हुए हैं, बचे हुए लोग आप सभी लोग शामिल हो जाएं। दादा आपकी नजर है, स्वागत है, स्वागत है। किसी शाम किसी शख्स पे मुस्कुराते हुए हम ख्वाब देखते हैं रेत का घर बनाते हुए। मतलब देखें कि किसी शाम किसी शख्स पे मुस्कुराते हुए हम ख्वाब देखते हैं रेत का घर बनाते हुए। शेर देखिएगा यार कि इस तरह बेतरतीब है अहदे वफा अहदे यकीन, दोस्ती का भरोसा प्यार का भरोसा। इस तरह बेतरतीब है अहदे वफा अहदे यकीन, सौ बार सोचेंगे जिंदगी नया दोस्त बनाते हुए। और मेरे 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 शिक्षक यहाँ पे दो शिक्षक मेरे बैठे हुए हैं, मेरे स्कूल के शिक्षक। देखिए शिक्षक और गुरुजन में यही फर्क होता है, तो थोड़ा सा अनुशासन तोड़ने की मुआफी मैं पहले चाहूंगा। प्रेम प्यार की बातें हैं। शेर सुनिएगा कि अजल से आज तक ये तालीम पक्की रही मेरी। एक बार आप सब लोगों का ध्यान में पा जाऊं। अरे तीन प्रणाम सर। अजल से आज तक ये तालीम पक्की ही मेरी। प्रशांत सर आपके लिए भी है क्योंकि आप विशेष ध्यान देते हैं मुझ पर के नहीं नहीं उनकी निगाह रहती है कुछ थोड़ा मुझ पर। अजल से आज तक ये तालीम पक्की रही मेरी, कोई शख्स पकड़ नहीं सकता हमें आंसू बहाते हुए। अजल से कोई शख्स पकड़ नहीं सकता हमें आंसू बहाते हुए, और आखिरी शेर के पिंजरे से उड़े फाख्ता कब आते हैं घरों को वापस, पिंजरे से उड़े फाख्ता कब आते हैं घरों को वापस, कि अच्छे हम भी नहीं लगेंगे तेरी कैद में आते हुए। एक मतलब पढ़ दूं और एक शेर पढ़ दूं अपना कलाम फिर खत्म करता हूं, समय ज्यादा है नहीं। कि दूर आसमां में हमने कुछ एक मोती बिखेर रखे, माफी चाहूंगा। कि दूर आसमां में हमने कुछ एक मोती छिपा रखे हैं, किसी की नजर न पड़े इसलिए तारे बता रखे हैं। दूर आसमां में हमने कुछ एक मोती छिपा रखे हैं, किसी की नजर न पड़े इसलिए मोती बता रखे हैं, एक अमीर की तमाम दौलत बिछी हुई है सड़कों पर। एक अमीर की तमाम दौलत बिछी हुई है सड़कों पर, कोई जानता नहीं उसने अलमारियों में गम छुपा रखे।
अब आज के मेरे कलाम का आखिरी शेर है कि कोई जानता नहीं उसने अलमारियों में गम छुपा रखे हैं। आखिरी शेर पढ़ता हूँ कि कमाल के लोग हैं ये इश्क भी नहीं करते। एक बार सब लोग शामिल हो जाएं कि शुभम भाई और भैया तमाम लोग के कमाल के लोग हैं ये इश्क भी नहीं करते, न जाने ऐसे लोगों ने बटुओं में क्या रखे। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत मोहब्बत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुखनील जी। अगले क्रम में